कोरोना काल के दौरान दूसरे प्रदेशों से अपने घर लौटे श्रमिकों को राज्य सरकार के द्वारा उनके ज़िले में ही रोज़गार देने की घोषणा की थी, जिसके बाद इस पर काम भी हुआ और गया जिले में उद्योग विभाग के सहयोग से क्लस्टर बनाकर युवाओं को रोज़गार दिया गया। इसमें गया जिले के डोभी प्रखंड के सब्बल बीघा में रेडीमेड्स गारमेंट्स के उद्योग लगाया गया और इसके लिए 10 युवाओं को और 5 लाख रुपये का मशीन दिया गया, जिसके बाद वहाँ पर तेज़ी से काम किया गया और वहाँ के बनाए गए कपड़े ज़िले के विभिन्न कोने में भेजे जाते थे। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद अब जो युवा हैं वापस इस रोज़गार को बंद करके वापस प्रदेश लौट गए हैं। ये आपके द्वारा बताया जा रहा है, हम लोगों ने जब उसको लगाया था बहुत बेहतर ढंग से काम कर रहा था, बीच में दो लोग आपस में मतभेद पैदा हुआ था, मतभेद पैदा हुआ जिसकी सूचना उन्होंने दी थी, एक उसमें से बॉम्बे चला गया, लेकिन दूसरा जो शमशाद था वो इस काम को कर रहा था। लेकिन आपके द्वारा बताया गया है जिसकी जांच हम अपने फील्ड अफसर से कराएंगे, अभी हम आपके कहने पर इस बात को नहीं मानेंगे लेकिन हम जांच कराएंगे। तो वो मशीनें जो दी गई थी उन लोगों को, करीब 15 से ज़्यादा मशीन, तो वो मशीनों का क्या होता है? वो तो फाक रहे हो। वो मशीनों का बिल्कुल मकसद सरकार का स्पष्ट है कि उसमें रोजगार उपलब्ध हो। अगर वो ग्रुप अगर काम नहीं कर रहा है, ये जांच में पाया जाएगा, वो सारे मशीनों को हम लोग उसी गाँव के बेरोजगार नवयुवक को चयनित करके वहाँ पर हम लोग तुरंत उसको जो है कि नए नवयुवक को काम के लिए अवसर प्रदान कर देंगे। उस मशीन को देके जो उसकी वर्किंग कैपिटल राशि बची हुई है उन लोगों को हम लोग स्वीकृत करके रिलीज कर देंगे, ताकि हमारा नया नवयुवक वहाँ पे काम आरंभ कर दे। वो मशीनें बेकार नहीं जाएंगी। इसकी मैं जांच कराता हूँ, जांच करा के देखता हूँ कि इस वस्तु स्थिति क्या है। अरे वो बेटवा जैसे लगाया था तो हमको मालूम नहीं है। कपड़ा सिलाई तो है ये था, तो सरकार से इसमें सहयोग मिला था? मिला था। क्या क्या मिला था इसमें? अब वो पूरा माल में नहीं हो तो कैसे कहिए, कोजी कोजी के मिला था। मशीन तो मिलवे की सिलाई करने के लिए पैसा भी मिला था इसमें? कुछ पैसा मिला वो खड़ा नहीं जानता है का किया कैसे, रजिस्ट्रेशन पर सब उन्हीं लोग जानता है, हम एक बारे में आना जाना कुछ नहीं। अब बंद हो गया वो काम? चल गई थी तब बने न है, सब बाहर चला गया। हाँ दो सब है चल गई थी तब। कितना लोग था? 10 गो। काम क्यों नहीं किया उन्होंने? जैसे प्रोडक्शन होगा, माल आवेगा, माल बिकेगा, माल आवेगा जाएगा बिकेगा, तब नहीं होगा। इसमें विभाग की ओर से सहयोग नहीं मिला जो पैसा मिला? सहयोग तो है ही अले, लेकिन आप देखिए सरकार पैसा देती है बढ़ावे लेके एकदम लेके खाइए जाइएगा, तू देखेगा नहीं कि सब खा गया था और रुपया दें। क्या क्या बनता था वही बता? वही प्लाजो बनता था, शर्ट बनता था, पैंट भी था, पैंट भी था, मगर अब कुछ हो गया नहीं था। लेडीज कुर्ती वगैरह भी थी? हाँ। कब काम शुरू हुआ था ये तो पूरा मतलब लॉकडाउन के समय में? हाँ हाँ उसी से लोगों ने मिलकर काम शुरू किया था। ये लोग 10-12 लड़कन था काम करने वाला, काम शुरू में चल रहा था? हाँ शुरू में कर रहा था लोग, और फिर बाद में लोग काम थी नहीं हुआ, ये लोग बता सकते हैं ना भाई, हम क्या बताएं। फिर मतलब काम बंद हो गया कोई? हाँ बंद हो गया। मशीन वगैरह मिला था? मशीन मिला, वो है मशीन अभी पड़ा हुआ है। हालांकि अब जो वहाँ जो मशीन दिए गए थे उसे जो है तख्ते पर बिक दिया गया है और उसका कोई यूज नहीं हो रहा है। ऐसे में जो जिला महाप्रबंधक है उद्योग विभाग के, उनका कहना है कि इस पर हम लोग जांच करेंगे और जांच के बाद जो भी उचित कदम होगा उस पर कार्रवाई करेंगे और उन मशीनों को जब्त कर जीविका दीदियों को दी जाएगी, ताकि इस रोज़गार को आगे बढ़ावा दिया जा सके। गया से न्यूज़ 18 के लिए कुंदन कुमार।